राजधानी दिल्ली में पारा 46 के पार है। तप तपाती हुई गर्मी में हर कोई परेशान हो रहा है। ऐसी गर्मी में अलीपुर इलाके के माजरा गांव में एक महंत योगी अपने चारों तरफ आग की धुनी लगाकर तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या पूरे विश्व को कोरोना वायरस जैसी महामारी से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से की जा रही है। इसी तरीके से पिछले 27 साल से हर गर्मी में, जब गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है, ऐसे वक्त में महंत अनिल नाथ योगी विश्व कल्याण के उद्देश्य तपस्या करते रहे हैं। जहां लोग चिलचिलाती गर्मी में कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं एक महंत योगी ऐसे भी हैं जो विश्व कल्याण के लिए ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने चारों तरफ आग की धुनी लगाकर तपस्या कर रहे हैं। देश भर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों को रेड अलर्ट किया गया है। उसी को देखते हुए अलीपुर इलाके के माजरा गांव के मोड़ पर एक मंदिर है, जहां पर एक महंत अनिल नाथ योगी कठोर तपस्या कर रहे हैं। अपने चारों तरफ 11 धुनी लगाए बैठे हैं और इतनी तेज गर्मी में अपने चारों तरफ आग की धुनी लगाकर विश्व शांति के लिए यह इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। यह पिछले 27 सालों से इसी तरह कठोर तपस्या करते आ रहे हैं। देश में किसी तरह की आपदा ना आए, किसी तरह का भूकंप ना आए, बाढ़ आदि आपदा न हो, किसी तरह की बीमारी ना फैले, उसी को देखते हुए यह पिछले 27 साल से इस तरह हर गर्मी में कठोर तपस्या कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार विश्व में जिस तरह कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है और पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, तो उसी से छुटकारा पाने के लिए यह मंत कठोर तपस्या कर अपने प्रयास कर रहे हैं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह डॉक्टर और सफाई कर्मी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, यह अपना प्रयास उसी तरह कर रहे हैं, तो यह भी अपनी इस तरह कठोर तपस्या कर इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व को जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके, में शांति बनी रहे। बाढ़ वगैरह, ये भूकंप जो भी आते हैं, अब जैसे कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, मैं इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक होए, कोई भी होया, अपने अपने तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी अपने तरीके से लगा हूँ कि इससे हम जीत जाए, पूरे विश्व में शांति बन जाए।